हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बहुत बड़ी खबर आई है कि एक जो बीजेपी के सांसद हैं, जो काफ़ी जो है यहाँ पर चर्चा में भी रहते हैं और काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी रखते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने जो है यहाँ पर बात करते हैं MHRD को जो है एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये मांग की है कि जो BEd के छात्र हैं उनको प्राथमिक में शामिल किया जाए। तो हम इस पूरी अपडेट को देखेंगे और अगर आप इसी प्रकार की अपडेट आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर आप देखिए ये जो है ये लेटर है ऑफिशियल दिनेश लाल यादव निरहुआ, इनको आप सभी लोग जानते हो, ये जो है भोजपुरी एक्टर भी हैं और साथ ही साथ आजमगढ़ से जो है ये लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, इनको आप जानते होंगे। 13 अक्टूबर की डेट यहां पर पड़ी है, आप इनको भी आप देख लीजिए। और सेवा में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, उनको जो है ये लेटर दिया गया है और विषय है कि BEd अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः योग्य करते हुए आगामी भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में। महोदय, सादर अवगत कराना है कि BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए BEd अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों की योग्यता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः शिक्षक भर्ती में शामिल करने के उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें। संलग्न यहां पर की गई है और दिनेश लाल यादव निरहुआ का यहां पर साइन बना हुआ है। तो ये दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि आजमगढ़ सीट से सांसद हैं, आप इनको देख सकते हैं, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर और मंत्री भी हैं ये, इनको आप देख सकते हैं। और बात करते हैं कंसल्टेटिव कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये देख सकते हैं। बाकी इनका जो है नंबर वंबर भी दिया गया है, इनका जो है यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, सब कुछ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो स्टैंड है वो BEd छात्रों के हित में है और इन्होंने जो है यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर ये बताया है कि आप जो है जरूर इन छात्रों को BEd प्राथमिक में शामिल करें और इन पर जो है सहानुभूतिपूर्वक इन पर जो है अपनी जो भी है दिशा निर्देश वो आप देने की कृपा करें, ये यहाँ पर मांग की गई है। देखो, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि देखो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जो है अब उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं BEd छात्रों को, लेकिन अगर सरकार चाहे तो अभी भी अध्यादेश को लाकर अभी भी BEd को प्राथमिक में शामिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए फिर जो है कि उचित तरीके से मांग करनी होगी। अगर इसी प्रकार के तकरीबन जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, अगर वो पत्र लिखते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री को, तो जाहिर सी बात है उस पर भी फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब इसके लिए क्या होगा कि लगभग जितने भी छात्र हैं वो जिस भी लोकसभा सीट से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, अपने विधायक अपने सांसद पर थोड़ा फोर्स बनाएं, उनसे कहें कि आप लोग जो है हमारे लिए अपने जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या फिर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन तक मेरी बात को पहुँचाया जाए। तो अगर इतने सारे अगर यहाँ पर पत्र अगर चले जाएं लगभग हर एक विधानसभा और लोकसभा से, तो जाहिर सी बात है इस पर फिर फर्क पड़ेगा और अध्यादेश आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने किया है, जाहिर सी बात है वो BEd के हित में है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।